हमेशा की तरह फिर से एक नए मजेदार ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर। आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही फायदा होगा और बहुत ही मजा भी आएगा। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी भी फ्रेंड के पास, मैं किसी भी दोस्त के पास मैसेज करूं, लेकिन वो मैसेज मेरा 24 घंटे के बाद या एक सप्ताह के बाद या 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक अपने आप डिलीट हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी भी फ्रेंड के पास कोई भी मैसेज भेजते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा मैसेज 24 घंटे के बाद या एक सप्ताह के बाद या 90 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाए, तो अपने आप वो डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में आप कैसे टाइमर लगा सकते हैं 90 दिन का, एक सप्ताह का, 24 घंटे का। आप टाइमर के साथ किसी के पास मैसेज भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपका सुमित सेन, आपका अपना चैनल सुमित सेन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों ये ट्रिक यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। तो दोस्तों आप जैसे अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिएगा तो आप साइड में देखिएगा एक 3 डॉट का निशान दिख रहा होगा कोने पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेटिंग के नाम से, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपने अकाउंट में जाना है, जैसे कि अकाउंट का एक ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एक प्राइवेसी का, तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट मैसेज टाइमर के नाम से, तो उस पर आपको क्लिक करना है। डिफॉल्ट मैसेज टाइमर के नाम से एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइम दिए गए हैं, आप अपने अनुसार कोई भी टाइम को आप चुन सकते हैं और चुनने के बाद दोस्तों वहाँ पे टिक मार सकते हैं। जैसे आप टिक मार लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, बाहर आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फिर से व्हाट्सएप चैट में आना है। व्हाट्सएप चैट में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जिन भी फ्रेंड के पास, जिन भी दोस्त के पास आपको मैसेज करना है उनको क्या करना है, उनका चैट ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी मैसेज है सेंड करना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आज आपने मैसेज भेजा है, ये मैसेज जो भी आपने टाइमर चुना है उसके बाद वो मैसेज जो भी आपने टाइम चुना होगा, जो भी आपने टाइम लगाया होगा, वो टाइम पे ऑटोमेटिक अपने आप वो डिलीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने टाइमर लगा के आपने मैसेज सेंड किया होगा अपने दोस्त के पास, अपने फ्रेंड के पास, वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।